हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार रेटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, आप कंटेंट ओवरव्यू में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टार रेटिंग, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाइंग स्टार रेटिंग लेबल्स, फिर हम देखेंगे हु पुट द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग लेबल्स, ठीक है। फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार रेटिंग पढ़ेंगे और कुछ लेबल्स देखेंगे जो स्टार रेटिंग के अप्लायंस पे लग के हमें मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग ये पहला चैप्टर जो हमारा था एनर्जी कंजर्वेशन का, बेसिक्स ऑफ एनर्जी, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो सबके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी हमारी एनर्जी कंजर्वेशन प्लेलिस्ट में। फिर हमने कवर किया था जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, जो चैप्टर 9 था हमारा। ये छोटा सा चैप्टर था इसलिए मैंने इसको पहले कवर कर दिया। ये कुछ एरियाज थे जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप एनर्जी को कैसे सेव करोगे, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना था, ठीक है। सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद एनर्जी ऑडिट क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा चैप्टर 10 था जिसमें हमने व्हाट इज एनर्जी ऑडिट पढ़ा सबसे पहले। फिर हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिट, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था जो एनर्जी ऑडिट करने में हेल्प करते हैं। और फिर हमने एक रिपोर्ट फॉर्मेट देखा था, जैसे हम लोग जब एनर्जी ऑडिट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और वो कैसी होती है, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लें, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है स्टार रेटिंग एंड इम्पॉर्टेंस, ये आपको चैप्टर नंबर सेकंड में मिलेगा। चैप्टर नंबर सेकंड था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ये दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और ये हमारा जो तीसरा टॉपिक है इसमें हमने स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग को कवर कर दिया है और आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। अगली एक वीडियो में और लेके आऊँगा इस चैप्टर के ऊपर जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की। वॉट इज स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने स्टार रेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अगर पढ़ा नहीं होगा तो आपने स्टार रेटिंग लेबल तो देखा ही होगा। जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं आप उसमें एक स्टिकर लगा देखते होंगे जिसमें कुछ स्टार्स होते हैं और वो स्टार्स रेड कलर से हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है, आपने देखा ही होगा। क्योंकि 2010 या 2008 के बाद जितने भी अप्लायंस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सब में ये स्टार रेटिंग लेबल लगा होता है, ठीक है। तो ये लेबल क्या होता है, क्या काम करता है, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेट्स द स्टैंडर्ड्स एंड लेबल फॉर मेकिंग स्टार रेटिंग ऑफ वेरियस अप्लायंसेस। जितने भी अप्लायंस मैन्युफैक्चर होते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड्स एंड लेबल तैयार किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टार रेटिंग, ठीक है। स्टार रेटिंग आर प्रोवाइडेड टू ऑल द मेजर काइंड ऑफ अप्लायंसेस इन द फॉर्म ऑफ लेबल्स, ठीक है। अब कोई भी अप्लायंस जो है हमारा उस पर स्टार रेटिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें उस पर लगे एक लेबल, एक स्टिकर के रूप में पता चलेगा। अगर किसी भी अप्लायंस के ऊपर स्टार रेटिंग का लेबल लगा है, स्टार रेटिंग का स्टिकर लगा है, इसका मतलब क्या है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की नज़र से होता हुआ वो अप्लायंस हमारे पास पहुंचा है, ठीक है। दीज स्टार रेटिंग्स आर गिवन आउट ऑफ 5 वेयर हायर द रेटिंग लोअर इज द एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन से यहां पे मतलब है पावर कंजम्पशन, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है। ये लाइन हमें ये कह रही है कि जो हमने स्टार रेटिंग लेबल अपने अप्लायंस पे लगा देखा, जितने ज्यादा उसमें स्टार हाईलाइटेड होंगे रेड कलर से, ठीक है, उतनी ही कम एनर्जी कंजम्पशन करेगा वो अप्लायंस। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई हमारा अप्लायंस है, ठीक है, उस पर हमारा जो स्टार, उस पर जो हमारा लेबल लगा हुआ है उसमें 4 स्टार जो हैं वो शेडेड हैं, ठीक है, 4 स्टार शेडेड हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत अच्छा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है, ये कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट हमें देगा, मतलब क्या, कम बिजली में ज़्यादा देर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। या फिर आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मान लीजिए एक अप्लायंस था जिसमें 4 स्टार रेटिंग थी, ठीक है, और एक अप्लायंस ऐसा है जिसमें एक भी स्टार रेटिंग नहीं है, ठीक है, तो क्या इसमें अंतर होगा। ये वाला जो अप्लायंस है जिसमें 4 स्टार रेटिंग थी ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है,
और ये जो अप्लायंस है जिसमें 4 स्टार रेटिंग थी वो कम बिजली में वर्क करेगा ऐसा कह सकते हैं, और ये वाला बिजली ज़्यादा लेगा वर्क करने में। मतलब क्या है, हमारा खर्चा जो होगा वो इस वाले अप्लायंस पे कम होगा और इस वाले अप्लायंस पर ज़्यादा होगा। ठीक है, बिजली का बिल ये वाला अप्लायंस कम प्रोड्यूस करेगा, ये वाला अप्लायंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, द अप्लायंस विद द लोएस्ट एनर्जी कंजम्पशन इन द प्रोडक्ट कैटेगरी आर गिवन द मोस्ट स्टार एंड दोज विद हाईएस्ट एनर्जी कंजम्पशन आर गिवन लीस्ट। मतलब क्या है, जैसे अभी हमने कहा कि जिसके पास जितने ज्यादा स्टार होंगे इसका मतलब क्या है कि वो लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा रन करते समय। ठीक है, और जिसके पास बहुत कम स्टार होंगे इसका मतलब क्या है कि वो रन करते समय ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका सीधा सीधा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो हमारे ज्यादा स्टार वाले अप्लायंस होंगे वो बिजली का बिल कम करेंगे। मतलब क्या है, जो हमारा मंथ एंड में बिजली का बिल आएगा वो उनकी वजह से कम आएगा, लेकिन वहीं जिनमें एक भी स्टार नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा बिजली के बिल में कंट्रीब्यूट करेंगे। सीधा सीधा कहने का ये मतलब है। ठीक है, मोर द स्टार्स मोर एनर्जी एफिशिएंट द अप्लायंसेस। ये चीज आपको मैंने अभी समझा दी ऊपर वाले पैराग्राफ में भी और नीचे वाले पैराग्राफ में भी। ठीक है, आई होप आपको ये थियोरेटिकल डेफिनेशन स्टार रेटिंग की समझ में आ गई होगी। वॉट इज द पर्पज ऑफ स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग का क्या पर्पज होता है, क्या यूज होता है, स्टार रेटिंग लेबल का क्या यूज होता है, ये स्लाइड में हम समझेंगे। ठीक है, द प्राइम पर्पज ऑफ स्टार रेटिंग इज टू एजुकेट इनफॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट दे आर बाइंग। ठीक है, सपोज करिए आप एक कंज्यूमर हो और आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सपोज करते हैं कि टेलीविजन खरीदने के लिए मार्केट में गए हो। ठीक है, तो आप कौन सा टेलीविजन खरीदोगे? अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने स्टार रेटिंग के बारे में पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में पढ़ा है, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग के बारे में पढ़ा है, तो आप वो वाला टेलीविजन खरीदोगे जिसमें स्टार रेटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हो ज्यादा स्टार रेटिंग का मतलब क्या है कि आपका बिजली का बिल कम आएगा। ठीक है, जो हमारे अप्लायंस होंगे, जो हमारा टेलीविजन हम खरीदने जा रहे हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और बिल हमारा कम आएगा। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ये जानते होंगे, लेकिन जो शॉपकीपर है वो आपसे ये कहेगा कि भैया ये वाला अप्लायंस ना खरीद के आप ये सस्ता वाला अप्लायंस खरीद लो, लेकिन उसकी स्टार रेटिंग कम होगी तो आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आप जानते हो कि कम स्टार रेटिंग है। इसका मतलब क्या है, अभी तो हम सस्ते में इसको खरीद लेंगे लेकिन लाइफ टाइम हमारे सर पे एक दर्द रहेगा इस अप्लायंस की वजह से, इस टेलीविजन की वजह से, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। ठीक है, यूजुअली द कंज्यूमर कैन फाइंड स्टार लेबल ऑन हैवी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस लाइक एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा। ठीक है, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने जाते हो, मेनली जो हैवी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस होते हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, ठीक है, तो इन्हीं में बेसिकली ज़्यादातर स्टार लेबल लगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब बिजली ज़्यादा खाते हैं और बिल इन्हीं की वजह से घर में ज़्यादा आता है, तो स्टार लेबल इन्हीं में लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ये बताई गई है कि पावर कंजम्पशन क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर एक यूनिट में किया जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इस कंजम्पशन का भी तो एक यूनिट होगी मेजर करने की, उसी को पावर कंजम्पशन कहा जाता है या इलेक्ट्रिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें समझना है कि जो स्टार रेटिंग लेबल्स होते हैं इनको अप्लायंस पर कौन लगाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। जो अप्लायंस का मैन्युफैक्चरर है यही मैन्युफैक्चरर अप्लायंस में स्टार रेटिंग लेबल लगाता है फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स गिवन बाय एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अंडर स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2006। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि मैन्युफैक्चरर ही लगाता है स्टार रेटिंग लेबल्स किस पर, अपने अप्लायंसेस पर, कौन से रूल्स फॉलो करके, उन रूल्स को फॉलो करके जो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार रेटिंग इज टू एजुकेट इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट हाउ एनर्जी एफिशियंट ईच प्रोडक्ट इज। ठीक है, मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन स्टार रेटिंग कंज्यूमर को क्या बताता है, ये बताता है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी एफिशियंट है, ये वाला कम एनर्जी एफिशियंट है। जिस प्रोडक्ट में स्टार रेटिंग ज्यादा होगी वो वाले प्रोडक्ट जो होंगे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे एज कम्पेयर टू जिसमें स्टार्स कम है। ठीक है, और क्या बताता है, और क्या इंपॉर्टेंस है स्टार रेटिंग की। दिस ऑल्सो मेक्स द मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स विच आर हाईली एफिशिएंट,
हाईली एनर्जी एफिशिएंट एज कंज्यूमर्स में इवेंचुअली प्रेफर बेटर रेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है इस लाइन का कहने का, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर M1 है और एक मैन्युफैक्चरर M2 है, ठीक है। दोनों एक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोनों, मान लीजिए दोनों ही टीवी बनाते हैं, ठीक है। M1 जो टीवी बनाता है उसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। M2 जो टीवी बनाता है उसकी भी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो कंज्यूमर बाय कौन से प्रोडक्ट करेगा, कंज्यूमर उस टीवी को बाय करेगा, उस टीवी को खरीदने जाएगा जिसमें स्टार रेटिंग ज़्यादा होगी। मान लीजिए जो हमारा M1 था, ये जो टीवी बना रहा है इसमें स्टार रेटिंग कितनी है, 4 स्टार्स की है, और जो M2 बना रहा है इसमें स्टार रेटिंग कितनी है, 3.5 स्टार्स की ही है, ठीक है। तो कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, इस वाली टीवी को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि इसमें 0.5 स्टार्स ज़्यादा हैं। मतलब क्या है कि M1 जो टीवी बना रहा है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू M2, ठीक है। मतलब बिल कौन से मैन्युफैक्चरर की टीवी में कम आएगा, वो M1 में कम आएगा, M2 में ज़्यादा आएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार रेटिंग की बात, ठीक है। अब हम समझते हैं स्टार लेबल डिस्क्रिप्शन को। मतलब क्या है कि घर में बहुत सारे अप्लायंस होते हैं, सब में जो स्टार रेटिंग लेबल लगा होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो वही हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार रेटिंग लेबल को देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि उनमें ऐसा क्या लिखा होता है जो आम नागरिक को समझ में नहीं आता, लेकिन आप एज ए इंजीनियर उन्हें समझ सकते हो, ठीक है। अब ये जो सामने आपको स्टार रेटिंग लेबल दिख रहा है, ये किन किन अप्लायंस पे ऐसा लग के आता है, एयर कंडीशनर में आपको ऐसा मिलेगा, रेफ्रिजरेटर में आपको ऐसा मिलेगा, और जो हमारे जनरेटर्स होते हैं, डीजी ट्रांसफार्मर होते हैं, डीजी जनरेटर्स होते हैं, उनमें आपको इस तरीके का लेबल देखने को मिलेगा। घर में जो बाथरूम में गीजर्स लगे होते हैं उनमें मिलेगा, वॉशिंग मशीन में, इन्वर्टर में, एलईडी लैंप्स में, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ अप्लायंसेज हैं, हैवी अप्लायंसेज हैं जिनमें आपको इस तरीके का स्टार रेटिंग लेबल देखने को मिलेगा। अब आइए एक एक करके समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है। ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ये जो चीज़ है, ये बेसिकली क्या है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे, जब भी कोई म्यूचुअल फंड का ऐड आता है तो आखिरी में बहुत बड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं, तो ये चीज़ वही है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा, मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला अप्लायंस को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, उसके द्वारा टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जो टर्म्स एंड कंडीशन कही होंगी लिखने के लिए, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको ये बता दूँ कि ये जो मैंने इमेज ली है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, ठीक है। अब इतनी चीज़ आई हो, अब आपको लास्ट वाली चीज़ पहले समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अब आपको इसके ऊपर ये चीज़ दिख रही होगी, ये चीज़ ब्लू ब्लू में NSE करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यूनिक कोड होता है जो हर अप्लायंस के लिए यूनिक है, मतलब हर अप्लायंस में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, जो एक्स ये करके लिखी हुई है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़, ये क्या है, ये होती है टेक्निकल डिटेल्स, जिन्हें हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। जो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी होती है, हर अप्लायंस की अपनी होती है, आप मशीन की अपनी होती है, उसी तरीके से ये जो हमारा अप्लायंस है जिसमें ये स्टार रेटिंग लेबल हो लगा होगा, उसके टेक्निकल डिटेल्स यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इन 6 लाइन, इन 3 और 3 पार्ट्स में, मतलब 3 रो ये और 3 रो ये इसमें लिखी होंगी, ठीक है। तो अब इसमें टेक्निकल डिटेल्स में क्या लिखा होता है, टेक्निकल पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू अप्लायंस टाइप, मतलब जिस तरीके का अप्लायंस है उस तरीके के टेक्निकल पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे होते हैं लास्ट में, ठीक है। आई होप इतनी भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, ये चीज़ देखिए, आपको लिखे दिख रहा होगा ब्रांड लिखा हुआ है और यहाँ मॉडल एंड ईयर लिखा हुआ है, ये चीज़, ठीक है। ये ब्रांड एंड ये मॉडल एंड ईयर, ये ब्रांड कौन से ब्रांड का ये अप्लायंस है और ये इसका मॉडल नंबर क्या है और ये कब बना था, ये चीज़ यहाँ पर लिखी होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये लेबल पीरियड आपको दिख रहा होगा, ये लेबल पीरियड क्या है, लेबल पीरियड का मतलब है कि ये जो लेबल एप्लीकेबल है ये कब से कब तक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। वैसे हमारे इंडिया में एक अप्लायंस की जो लाइफ साइकिल होती है वो 10 साल मानी जाती है, कि एक नया अप्लायंस आप खरीद के लाए हो तो ये 10 साल तो चलेगा ही चलेगा। तो जो हमारी लेबल की लाइफ होती है स्टार रेटिंग लेबल की, उसमें भी लेबल पीरियड 10 साल, 5 साल, 8 साल इस तरीके से दिया होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा लेबल पीरियड। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ये चीज़ दिख रही होगी 248, ये क्या होती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट दी है, मतलब क्या पूरे एक साल में ये अप्लायंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी यूनिट कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक
ठीक है, यहाँ पे 248 दिया हुआ है, मतलब 248 यूनिट कंज्यूम करेगा पूरे साल में। ठीक, अब ये क्या है, ये आपको स्टार दिख रहे होंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, फाइव स्टार्स इन रेड शेड। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो अप्लायंस जिसमें ये लेबल लगा होगा वो फाइव स्टार अप्लायंस है। कैसा है? फाइव स्टार अप्लायंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है ये। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर स्टार मोर सेविंग्स। आई होप आपको ये वाला स्टार लेबल डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले वाले पे चलते हैं। अब ये स्टार रेटिंग लेबल आपको सामने दिख रहा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्ट्रिप टाइप का है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये जो यूज़ होता है ये कलर टेलीविजन में यूज़ किया जाता है, एलपीजी स्टोव में ये लगा मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर जो ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प होते हैं आपको वहाँ देखने को मिलेगा, या तो ये ऊपर वाला हिस्सा अपर रेड एंड वाइट वन होता है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो लोअर ग्रीन एंड वाइट होता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। अभी हम समझते हैं कि सारी चीज़ें क्या हैं। जैसे अगर हम ऊपर जो रेड कलर वाला स्टार रेटिंग है उसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी ये फाइव स्टार अप्लायंस है। अभी हमने पीछे बात कर ली कि ये क्या होता है, जितने ज़्यादा स्टार शेडेड होंगे उतनी ज़्यादा सेविंग करेगा ये आपकी। ठीक है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये वाला सेक्शन, इसमें क्या बताया जा रहा है? इस वाले सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि ये एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इसका कितना है, मतलब ये पूरे साल में सिर्फ 88 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम करेगा। मतलब क्या, 88 किलोवाट आवर पर ईयर, इतनी यूनिट आपकी पूरे साल में ये कंज्यूम करेगा। इसके बाद आप इसी के नीचे लेबल पीरियड देख पा रहे हो, कि जो भी हमने समझ लिया कि लेबल पीरियड जैसे यहाँ पे आपका नहीं दे के रखा है, ठीक है, या दिया हो सकता हो, छुपा लिया गया हो इमेज अपलोड करने से पहले। ठीक है, तो लेबल पीरियड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे अभी हमने बात करी, हर अप्लायंस मैन्युफैक्चरर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है, या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें, जैसे यहाँ पे अंडर अंडर टेस्ट कंडीशंस व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स एक्चुअल, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, किस चीज़ के लिए है ये कलर टेलीविजन एंड एलपीजी स्टोव के लिए, ये वाला ऊपर वाला जो है ये वाला स्टार रेटिंग लेबल है। ठीक है, अब ये देखिए यूनिक कोड, जैसे पिछले में यूनिक कोड लिखा हुआ था वैसे हर अप्लायंस का अपना एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, और ये यूनिक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे अगर हम बात करें, नीचे जो ग्रीन कलर वाला है, ठीक है, ये किसके लिए है? ये है हमारा टीएफएल। टीएफएल मतलब ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप, जो हमारी रॉड होती है ना, रॉड घर में बिजली लाइट वाली रॉड, उनमें इस तरीके का स्टार रेटिंग लेबल लगा होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज वही है, जैसे यहाँ पे स्टार रेटिंग लिखी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट एक स्टार में कितने से कितनी एनर्जी का कंजम्पशन होगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दो स्टार में कितने से कितने के बीच में होगा यहाँ पे लिखा है, तीन स्टार में, चार स्टार में, पांच स्टार में, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये रेड कलर वाला किस चीज के लिए है, ये कलर टेलीविजन और एलपीजी स्टोव के लिए है, और नीचे वाला जो है ये टीएफएल मतलब ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप, जो घरों में रॉड लगती है उसके लिए है। और क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हर चीज का क्या मतलब है, तो अब आपको ये जो स्टार रेटिंग लेबल है ये थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। जैसे टीएफएल के लिए ये यूनिक कोड दे के रखा गया है। ठीक है, ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस दे के रखी हुई है। ठीक है, ये हमारा बीई का लोगो दे के रखा है। ठीक है, ये क्या है, ये स्टार रेटिंग प्लान है, मतलब एक स्टार होगा तो क्या होगा, दो स्टार होंगे तो कैसे कितनी पावर कंजम्पशन होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी, तीन होगा तो कितना, चार होगा तो कितना, पांच होगा कितना। ठीक है, कुछ इस तरीके से देके रखा हुआ है इसमें। आई होप आपको ये वाला भी स्टार रेटिंग लेबल समझ में आ गया होगा। ये दूसरी तरीके का स्टार रेटिंग लेबल है, जो किसके लिए अप्लीकेबल है, जो सीलिंग फैंस के लिए अप्लीकेबल है, मतलब छत के जो पंखे होते हैं उनमें आपको ऐसा स्टार रेटिंग लेबल दिखेगा, या फिर जो इंडक्शन मोटर होती है उनमें आपको ऐसा स्टार रेटिंग लेबल दिखेगा। इसमें भी वही इतनी चीज़ तो कॉमन है, ये क्या चीज़ कॉमन है, जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ज़्यादा सेविंग होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसमें देखिए, ये देखिए मॉडल नंबर एंड ईयर यहाँ पे सामने लिखा जाता है। ठीक है, सर्विस वैल्यू कितनी है ये यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, एयर डिलीवरी मतलब क्या है, कितनी एयर आपको डिलीवर करेगा पर मिनट, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, और इसका साइज मिलीमीटर्स में कितना है ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे करके देखने को
मिलेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, बस मॉडल नंबर एंड ईयर यहाँ पे नहीं लिखा है, बाकी सब आपको चीज़ सर्विस वैल्यू, एयर डिलीवरी पर मिनट एंड साइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का लोगो है, साथ ही साथ यहाँ छोटा सा यूनिक कोड लिखा है जो हमें नज़र में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ISI की मार्किंग है, ISI भी जो है एक स्टैंडर्ड कंपनी है जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराती है डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरर एड्रेस एंड अदर डिटेल्स इफ एनी स्पेसिफाइड इन IS 374, ठीक है। ये जो इतनी स्पेस आपको दिख रही है ये वाली, इसमें क्या होगा, इसमें मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर द्वारा जो भी डिटेल्स देनी होगी वो यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। ये चीज़ जो आपको दिखी है ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, एप्लीकेबल कंडीशंस जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक और तरीके का स्टैंडर्ड स्टार रेटिंग लेबल है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप्स में आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऑफिशियल इक्विपमेंट्स जो होती हैं उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है, एनर्जी एफिशिएंट रिकमेंडेड, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का लोगो बीच में लगा हुआ है, और यहाँ पे स्टार बने नहीं हुए हैं, ये BEE स्टार वर्जन लिखा हुआ है, मतलब ये 2-स्टार वर्जन है, ठीक है। ऐसे ही BEE स्टार वर्जन 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, ये यहाँ पे आपका 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब बी कितने स्टार वर्जन है, इसमें 2 स्टार वर्जन है, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टैंडर्ड स्टार रेटिंग लेबल्स जो मैंने आपको दिखाए, और स्टार रेटिंग क्या होती है मैंने आपको समझाया, इंपॉर्टेंट समझाई, उसकी पर्पस समझाया, ठीक है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको हर वो पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपके मन में तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। अगर इतने स्टार रेटिंग लेबल मैंने आपको दिखाए ये आपको समझ में नहीं आए, या आप चाहते हो कि मैं दोबारा कोई वीडियो लेके आऊँ इंडिविजुअल इन पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।